हाई एवरीवन, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट किया हुआ है न्यूमेरिकल मैथड्स की सीरीज़, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैथड्स करते हुए आ रहे हैं। जितने मैथड्स हमने कर लिए उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट का, आप जाके आराम से सारे मैथड्स कर सकते हो। आज की क्लास हम करने वाले हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फॉर्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का हम कर चुके हैं, आज करने वाले हैं बैकवर्ड इंटरपोलेशन का। क्वेश्चन के थ्रू हम समझ रहे होंगे, मैथड बहुत ईजिली कर लोगे। कैलकुलेटर ले आओ, नोटबुक ले आओ, फटाफट साथ साथ क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, गिवन x f of x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 7.5। अभी बताते हो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं क्या, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहीं भी आपको इंटरपोलेशन वर्ड मिल रहा है, न्यूटन वर्ड मिल रहा है, कुछ ऐसा वर्ड आपको नहीं मिल रहा क्वेश्चन के अंदर। मतलब कि क्वेश्चन में आपको खुद देख के रिकग्नाइज करना है कि ये क्वेश्चन न्यूटन्स फॉर्मूला का है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। आपको खुद देख के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली मैंशन नहीं होता। अब समझना पड़ेगा, क्या डिफिकल्ट है ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आपको क्वेश्चन में एक्स की वैल्यूज दी जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड एफ ऑफ एक्स दिया जाए, मतलब जब एक्स 1 होता है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है, जब एक्स 2 होता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 8 होती है, ऐसे वैल्यूज आपको दी जाए और किसी बीच के पॉइंट पे वैल्यू पूछ ली जाए, मतलब 1 से लेके 8 तक तो दी हुई है लेकिन 1, 2, 3 से वो खुश नहीं है, वो कह रहे नहीं मुझे एक पर्टिकुलर किसी बीच की वैल्यू पे आंसर चाहिए, दैट इज 7.5। इसी को इंटरपोलेशन बोलते हैं, जब आपको एक डाटा दे दिया जाए लेकिन उन डाटा के किसी बीच की वैल्यू पे आपसे वैल्यू पूछ रहा है। अब वो x की वैल्यू आपको 7.5 दे रहा है और f ऑफ 7.5 पूछ रहा है, कह रहा है फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब x 7.5 होगा। इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, किसी बीच की वैल्यू पे पूछ लेना। तो मुझे ये तो पता लग गया कि ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी सेंटर से 7.5 वैल्यू उठाई और मेरे से पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। सेकेंड चीज, अब ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, ये भी क्वेश्चन को देख के समझना है। अब उसने फंक्शन की वैल्यू कहाँ पूछी है, 7.5 पे। 7.5 स्टार्टिंग में आएगा कि एंड में आएगा, जल्दी से बता दो। 1 से लेके 8 तक जाना है, 7.5 स्टार्टिंग के टर्म्स में आ रहा है कि एंड की टर्म्स में आ रहा है? एंड की टर्म्स में आ रहा है ना, 8 से पहले आएगा, 7 के बाद आएगा। तो अगर जिस पे पूछ रहे वैल्यू कोई बीच का पॉइंट है, दैट इज इंटरपोलेशन, और वो पॉइंट भी एंड में कहीं लाए करता है, दैट इज बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो क्वेश्चन को देख के सबसे पहला काम रिकग्नाइज करना कि ये तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। करें स्टार्ट फिर, अब बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। तो ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन है, तो जैसे ही पता लग जाए बैकवर्ड इंटरपोलेशन है, आपने बैकवर्ड वाला टेबल यहाँ पे बनाना है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड बैकवर्ड आपको एक ही क्लास में क्लियर किए थे, वही टेबल आप यहां बनाओगे। अब इससे फटाफट से बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओ, मैं भी बनाती हूँ, फिर मैच करेंगे। आई होप आप जो है न्यूमेरिकल मेथड्स की सारी सीरीज बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में देखते आ रहे हो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। मैं भी टेबल बनाती हूँ, आप भी बनाओ, फिर आंसर्स मैच करते हैं कि हमने सही लिखे हैं कि नहीं। ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया, बहुत सिंपल है। ये एक्स और एफ ऑफ एक्स तो हम नोट करते हैं क्वेश्चन में से, फिर ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स कैसे निकलते हैं, सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट माइनस करके, 8 - 1 - 7, 27 - 8 - 19, ऐसे इसको इससे माइनस करोगे 12, 18 - 12, 6। तब तक ऐसे करते रहना है जब तक सेम नंबर ना आ जाए पूरे कॉलम में। यहाँ पे सारे 6 आ गए हैं, अब आगे इसको नहीं बनाना, इस पर पूरी क्लास हम कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना है, एक बार पता लग जाए बैकवर्ड है या फॉरवर्ड, आपने ये टेबल तो बनाना ही है, उसके बाद एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट। दो चीज़ें करनी होती हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी है उसका टेबल बनाओ और फॉर्मूला अप्लाई करो। न्यूटन का बैकवर्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखना। एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच, यहाँ पे बुक्स में बार लगा होगा, मतलब ए प्लस एन एच हमेशा साथ साथ चलेंगे, इनको कोई अलग नहीं कर सकता, ये बेस्ट फ्रेंड्स है। तो एफ ऑफ ए प्लस एन एच बार प्लस यू एच, फॉर्मूला ध्यान से देखना, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, बहुत सिंपल, इन्होंने कहा था ना साथ रहेंगे, ये हमेशा साथ साथ ही चलेंगे। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज यू डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच, बहुत सिंपल आएगा। और उसके बाद नीचे क्या आएगा, 1 factorial u, यहाँ पे 1, जितना u के ऊपर होगा उतना ही नीचे फैक्टोरियल होगा। अगर u के ऊपर 1 लिख रही हूँ ब्रैकेट में तो नीचे 1 factorial आएगा। आगे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, u लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 लिख रही हूँ तो नीचे क्या आएगा, 2 factorial आएगा। और यहाँ पे भी डेल्टा के ऊपर भी
टू आएगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच, जितना यहाँ पे यू के ऊपर नंबर लिखा जाता है उतना ही नीचे फैक्टोरियल आता है, उतना ही डेल्टा के ऊपर नंबर लिखते हैं। यहाँ पे डेल्टा के ऊपर वन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो सिंपल डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ए प्लस एन एच बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये साथ ही रहेंगे। यू वन डेल्टा एफ ऑफ ए एन एच, यहाँ पे वन फैक्टोरियल, यू टू टू फैक्टोरियल डेल्टा, यहाँ पे टू आ जाएगा। ऐसी ही सिमिलरली थ्री के लिए भी यही लिख दूं, यू थ्री आ जाएगा, नीचे थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा, डेल्टा थ्री एफ ओ ए प्लस एन एच अप टू सोन, ये आगे ऐसे चलता रहेगा। आप यहीं पर आगे लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है, अब मैंने नीचे लिख दिया, आप इसी के कंटिन्यूशन में लिखना। दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। पहले ये टेबल बनाना है और फिर ये फॉर्मूला यूज करना है, बहुत सिंपल, इसके बाद जस्ट पुटिंग करनी है, विद इन टू स्टेप्स हमें इसकी वैल्यू मिलने वाली है। अब ये अप टू सोन का मतलब क्या है? अप टू सोन का मतलब कि हर क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आगे कितने तक लिखना है। यहाँ पे डेल्टा थ्री तक आया, तो इस क्वेश्चन में हम सिर्फ थ्री तक लिखेंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल फॉर्मूला में लिखते हैं अप टू सोन की, ये फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन फिर हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर क्वेश्चन में डिफरेंस टेबल में सिर्फ थ्री तक आया है, तो आप इसको एक टर्म ये वन टू थ्री, बस थ्री तक ही लिखोगे, आगे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो आपके पास यहाँ पे डेल्टा फोर आ जाता, फोर तक भी डिफरेंस टेबल हो जाता, तो आप क्या करते, यहाँ पे फोर्थ वाली टर्म भी लिखते। कैसी होती वो? यू यहाँ पे फोर आता, फोर फैक्टोरियल, डेल्टा फोर एफ ओ ए प्लस एन एच। अब आपको यू थ्री यू फोर का मतलब क्या है? अभी करते हैं, आराम से करते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको ना समझ आए, स्टेप बाई स्टेप चीज़ें चलते हैं। तो फॉर्मूला पहले आपको माइंड में रखना है, टफ नहीं है, एक दो बार लिखने से लर्न हो जाएगा। तो एफ ओ ए प्लस एन एच बार यू एच, मीन्स ये साथ रहेंगे हमेशा, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो एफ ओ ए प्लस एन एच, यहाँ पे यू वन डेल्टा एफ ओ एन एच, यहाँ वन है तो वन फैक्टोरियल। अप टू सोन नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे थ्री तक है, तो फिर आप यहाँ पे बस प्लस और अप टू सोन नहीं लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, सिर्फ यहीं तक अपना फॉर्मूला लिखोगे। ये चीज़ क्लियर है? पहले वाला फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला था, कि किसी भी क्वेश्चन में आपको एक बार तो बताना पड़ेगा ना कि जनरल फॉर्मूला है क्या न्यूटन का, वो अप टू सोन वाला था। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सिर्फ थ्री तक चाहिए, तो मैं सिर्फ थ्री तक लिख के ही छोड़ दूंगी, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब एफ ओ ए प्लस एन एच बार यू एच है क्या, ध्यान से देखना, पुटिंग्स करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आए। कैलकुलेशंस करते हैं, टेबल ये रहा, इससे वैल्यूज नोट करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 7.5 की, है ना, एफ ओ 7.5 की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला तो ये यूज होना है, बैकवर्ड का ये फॉर्मूला है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दिया होता है ना एफ के अंदर, इसको उस वैल्यू के इक्वल करते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है ए प्लस एन एच बार प्लस यू एच, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 7.5 की। तो जो फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है उसको हमेशा उसके इक्वल करते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। एफ एफ नहीं हमें देखना, हमने 7.5 इक्वल टू जो ये एफ के अंदर लिखा है ए प्लस एन एच बार प्लस यू एच, राइट। अब यहाँ पे ए प्लस एन एच बार क्या है, बहुत सिंपल है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ ऑफ 7.5 की। 7.5 के बाद नंबर कौन सा आएगा टेबल में, 8 आएगा। 7.5 के बाद कौन सा नंबर आएगा टेबल में, 8 आएगा। तो आपने इसको क्या लेना है, a प्लस एन एच, ये a प्लस एन एच की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, प्लस u इंटू h, u एज इट इज रहेगा। h क्या होता है कि x में कितना डिफरेंस है, 1-1 का डिफरेंस है, 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस, तो यहाँ पे h की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 7.5। दोबारा समझो, आपने 7.5 की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को आप 7.5 के इक्वल कर दोगे इन फॉर्मूला, ठीक है। अब a प्लस एन एच बार प्लस यू एच आ गया। ए प्लस एन एच क्या होता है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 7.5 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 7.5 के बाद टेबल में क्या आता है, 8, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसके बाद वाली देखते हैं। 7.5 निकालनी है, 8 लेंगे ए प्लस एन एच को, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में एंड वाली वैल्यू ही होती है, जो टेबल में लास्ट वैल्यू होती है ना, वही ए प्लस एन एच होती है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के अंदर, ये ध्यान रखना। तो ए प्लस एन एच दैट विल बी 8, यू इंटू 1 इक्वल टू 7.5, ये चीज क्लियर है। दैट विल बी 8 प्लस
प्लस यू इंटू वन, एट प्लस यू इक्वल टू 7.5, ये इधर प्लस है तो जाके माइनस 7.5 माइनस 8, यू की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज माइनस 0.5. बहुत सिंपल है. सबसे पहले हमने 7.5 की वैल्यू निकालनी है, f of 7.5 की ना, तो जो लेफ्ट में लिखा है उसको 7.5 के इक्वल करके यहाँ से हमेशा u निकाल लेते हैं. बहुत सिंपल है, मैं एंड में एक बार और आपको चीज़ें समराइज करा दूंगी, टफ नहीं है चीज़ें, ठीक है. तो u मिल चुका है, दैट इज माइनस 0.5. अब फॉर्मूला में चलते हैं, फटाफट से पुटिंग करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं. कैलकुलेटर्स निकाल लो फटाफट से अपने पास. दैट इज f ऑफ दिस, ये तो मैंने इसकी वैल्यू क्या डाल दी, 7.5, ये तो मुझे वैल्यू 7.5 चाहिए, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच. ए प्लस एन एच तो क्या होता है, 8 होता है, मैंने अभी बताया लास्ट वैल्यू होती है, प्लस यू वन. अभी यू पुट नहीं करते, बताती हूँ क्यों. डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच मतलब डेल्टा एफ ऑफ 8 नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है यू टू, यहाँ पे लिखते हैं यू टू नीचे 2 फैक्टोरियल. जहाँ जहाँ ए प्लस एन एच है वहाँ वहाँ हम 8 डाल रहे हैं. प्लस 3 तक जाना है क्योंकि टेबल 3 तक है हमारे पास, तो दैट विल बी यू 3 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और डेल्टा 3 यहाँ पे एफ ऑफ 8. बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जस्ट मैंने एफ ऑफ ए प्लस एन एच की जगह 8 डाला और कुछ भी नहीं किया. अभी अब हम पुट करेंगे वैल्यूज, बहुत सिंपल है. अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ 8 की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे पास 8 है, इसके सामने f की वैल्यू कितनी है, 512. तो 8 पे f की वैल्यू 512 है, तो इस f ऑफ 8 की वैल्यू 512 है. प्लस u1, u1 का मतलब u ही होता है, u लिख रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा f ऑफ 8. तो 8 के सामने डेल्टा की वैल्यू क्या है, दैट इज 169. सामने का मतलब ये नहीं इधर आएगा, बिल्कुल हमने स्टेयर्स ही चल रहे होंगे. दैट इज मेरे पास 8 आ गया, ये मेरे पास एफ ऑफ 8 हो गया, ये डेल्टा एफ है, तो 8 के सामने डेल्टा एफ में क्या वैल्यू है, 169. तो यहाँ पे डेल्टा एफ ऑफ 8 क्या होगा, 169 अपॉन 1. फिर आगे आ जाओ 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है अभी बताती हूँ. फिर यहाँ पे u2 का मतलब दो ब्रैकेट्स आएंगे u की, एक u, एक u प्लस 1. बहुत ध्यान रखना, u1 मतलब एक ही u आएगा, लिख दिया. u यहाँ पे 2 का मतलब दो ब्रैकेट्स आएंगे u की, एक u और एक u प्लस 1. यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर. 8 के सामने डेल्टा 2 में क्या वैल्यू है, 42. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 42, यहाँ पे मैंने लिख दिया. बहुत सिंपल है. आगे देखो प्लस u3 का मतलब 3 ब्रैकेट्स आएंगे u की, u आएगा, एक u प्लस 1 आएगा और एक u प्लस 2 आएगा. ऐसे अगर u4 हो तो 4 ब्रैकेट्स आएंगी, u प्लस 1, u प्लस 2, u प्लस 3. जितना यहाँ पे नंबर होगा उतनी ब्रैकेट्स खुलती जाएंगी. तो यहाँ 3 था तो 3 ब्रैकेट्स, u पहले u फिर u प्लस 1 u प्लस 2. नीचे क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, लिख देते हैं नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 3 एफ ऑफ 8. 8 ये रहा, उसकी वैल्यू 3 वाले कॉलम में कितनी है, 6 है, तो दैट विल बी यहाँ पे 6 आ जाएगा. इसके सामने कभी वैल्यू नहीं आती, हमेशा ये लास्ट है ना, तो अगले कॉलम की भी लास्ट वैल्यू उठा लो, उससे नेक्स्ट कॉलम की भी लास्ट वैल्यू उठा लो, उससे नेक्स्ट की भी लास्ट वैल्यू उठा लो. अगर यहाँ से सबकी लास्ट देखते जा रहे हो तो बाकी कॉलम्स की भी लास्ट वैल्यू देखते जाओ. स्टेयर्स की तरह ही होता है, सामने नहीं दिखती वैल्यूज, ये स्टेयर्स की फॉर्म में होती है. वो सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे डालनी है, कहीं कोई दिक्कत है तो बताऊँ. बहुत सिंपल है, जस्ट की है एफ ऑफ 8, मैंने एफ के नीचे देख लिया, ऐसे डेल्टास देख लिए. अब आगे बात करते हैं, यू की वैल्यू क्या थी, माइनस 0.5, वो डालेंगे. 512 प्लस यहाँ पे यू की वैल्यू माइनस 0.5 इंटू 169. फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 तक काउंटिंग लिखना. 1 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 1, लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 1. 2 फैक्टोरियल मतलब 2 से 1. 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1. रिवर्स में काउंटिंग लिखनी है, मल्टीप्लाई के अंदर ये फैक्टोरियल्स होते हैं. तो 169 अपॉन 1 फैक्टोरियल वो 1 ही होता है. माइनस 0.5, आगे यू प्लस 1 मतलब माइनस 0.5 प्लस 1 है ना, यू प्लस 1 मतलब माइनस 0.5 प्लस 1, वो अगेन क्या बन जाएगा, 0.5, ठीक है ना, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इनटू 42. बहुत सिंपल है. आगे देखो, u मींस माइनस 0.5, u प्लस 1 मतलब माइनस 0.5 प्लस 1, दैट विल बी कितना हो जाएगा, ओनली 0.5. u प्लस 2 मतलब माइनस 0.5 प्लस 2, दैट विल बी 1.5. कैसे, प्लस माइनस, माइनस 2 में से 0.5 गे 1.5. साइन बड़े वाले का आता है,
टू बड़ा है तो इसके साथ प्लस आएगा. नीचे थ्री फैक्टोरियल का मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन और सिक्स यहाँ पे एज इट. अब आगे देखो, सिंपल कैलकुलेट करना है. 512 एज इट इज लिखोगे, ये 0.5 इंटू 169 मल्टीप्लाई करोगे 84.5 आएगा. ये माइनस का, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, बाहर माइनस आ गया. आगे देखो, ये 2 है, यहाँ 42 है, इसको कट कर सकते हो. 2 टू द 4, 2 वन द 2. आप सिंपल कैलकुलेटर से 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा इंटू 21 करो, और ये माइनस है एक, प्लस माइनस 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 में आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 5.25. उसके बाद ये वाला ऐसे करना है, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गए, 3 टू द 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया. सिंपल कैलकुलेटर से 0.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस 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 में 0.375 आएगा. दिस इज द आंसर. टफ नहीं है, चीजें ईजी है. सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको रिकग्नाइज करना है कि वो किसी बीच की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब वो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है. फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि वो बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, ठीक है. इसके बाद पता लग गया बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है. फिर उसके बाद आपने उसी का टेबल बनाना है. इंटरपोलेशन चेक कर लिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड चेक कर लिया, फिर उसका टेबल बनाओगे आप. टेबल बनाने के बाद आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जो मैंने आज करवाया. ऐसे मैंने फॉरवर्ड का भी करवाया था, बैकवर्ड का भी करवाया. एक बार फॉर्मूला आता है, आप वैल्यूज पुट करनी उसको शुरू करो. कहां से? टेबल में से आपको चीजें अपने आप दिखने लगेंगी और सिंपल चीजें कैलकुलेट करनी है. टफ नहीं है, नोट्स बनाते चलो हर एक मेथड का, तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी. आई होप ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर है. मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा बता रही हूं, आपको रिवाइज हो जाए अच्छे से. फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एन एच बार प्लस यू एच, ठीक है. बार मींस ये फ्रेंड्स है, इनको साथ ही रखना है. दैट विल बी एफ ऑफ ए प्लस एन एच आ जाएगा. यहां पे क्या आएगा? यू आएगा यहां पे. दैट विल बी डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच और यहां पे 1 फैक्टोरियल. अगर ये 1 है, यहां भी 1, यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो इसके बाद u यहां पे अगर 2 आया है तो यहां पे भी 2 आएगा और नीचे भी 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल. नीचे अगर यहां पे 3 है तो यहां पे भी 3 आएगा, दैट इज यहां पे 3 फैक्टोरियल. आप प्लस करके आपके पास स्पेस होगी, आगे तक लिख सकते हो. क्वेश्चन में अगर 3 तक वैल्यू है फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस 3 पे ही खत्म कर दो. ये फॉर्मूला है सिंपल सा, ठीक है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो.